हाँ जी अंत में ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, ये बाप पढ़ाएंगे मतलब बोला है श्रीमद् भागवत गीता जो भक्ति मार्ग का गीता है अंत में, भागवत अंत में नहीं है, महाभारत अंत में है। नहीं जैसे मतलब पहले है गीता ज्ञान, यज्ञ के आदि में भी गीता सुनाते थे, फिर बाद में भागवत हुई। यहाँ भी गीता ज्ञान पहले है, फिर गीता में उतना रस नहीं लेते हैं, उतना मजमा नहीं लगता है, सुनने वालों की उतनी भीड़ नहीं होती है, थोड़े थोड़े सुनते हैं। फिर जब गीता ज्ञान सुनने के बाद भागवत होती है तो ढेर की ढेर भीड़ लगने लग पड़ती है। भक्ति मार्ग में भी भागवत सुनने के लिए कितने आते हैं, है कहाँ की यादगार? इसी संगम की यादगार है। फिर जब भागवत होती है घर बार छोड़ करके भागने लगती हैं। जो मुरली में बाबा ने बोला है, पहले सन्यासी निकले थे, रानियों को छोड़ दिया, राजाएं सन्यासी बन गए, अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं को छोड़ देंगी। तो राजाओं को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? हैं? फिर बहुत क्रोध आएगा, फिर महाभारत युद्ध हो जाएगा। तो भागवत अंत में नहीं है, भागवत है बीच में। पहले है गीता और अंत में है महाभारत गृह युद्ध। खून की नदियां बहेंगी। बाबा हम ये पूछ रहे हैं ना, जैसे गीता का जो श्लोक का टीका है ना, तो वो टीका फिर बाबा समझाएंगे ऐसा मतलब बोला है, फिर वो गीता का जो श्लोक का टीका का किताब तो छप करके आ चुका है ना, है? जो श्रीमद् भागवत गीता का जो श्लोक है ना, श्रीमद् भागवत अलग और गीता ज्ञान अलग। वही गीता ज्ञान जो भक्ति मार्ग शास्त्र का जो गीता का श्लोक का है, श्लोक में तो उसका तो टीका मतलब निकल चुका है ना हमारे एडवांस ज्ञान में। कहाँ निकल चुका है? निकला है ना? है? निकल चुका है। कहाँ निकल चुका है? यही तो है मेरे पास। है? एडवांस पार्टी प्रस्तुत करता तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास भाग भाग के आने लगी होंगी। नहीं नहीं, किताब जो पुस्तक है ना वो उसका अर्थ किया गया टीका का जो यज्ञ के आदि में भी वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे, तो जो आदि में सो अंत में। अभी तो उसे गीता की व्याख्या करके नहीं सुनाते। हाँ, दुनिया वाले मानेंगे तब जब वो ही संस्कृति की गीता सच्ची साबित हो जाएगी। भगवान बाप ही सच्ची व्याख्या करेगा या मनुष्य व्याख्या करेगा? मनुष्य तो झूठे हैं, विकारी हैं, विकारी बुद्धि से व्याख्या भी विकारी हो गई, तो शास्त्र सब झूठे हो गए। बाप ही आकर के झूठे को सच्चा बनाते हैं। और बाबा, रामायण में
कई कई ने राम को वनवास जाने के लिए भेज दिया था ना, जाने के लिए कह दिया था ना, इसका भी अच्छा अर्थ क्या है बाबा? कई कई का अर्थ ही है कई कई करने वाली, एक नहीं करती है, बुद्धि में एक नहीं रहता है। कितने रहते हैं? कई कई रहते हैं। तो विविचारिणी हुई या विविचारिणी हुई? विविचारिणी होगी। जो विविचारिणी होती है वो ही घर का सत्यानाश करती हैं। जो अविविचारिणी माताएं होती हैं वो घर को स्वर्ग बनाने वाली होती हैं। और बाबा है ये बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के साथ साथ राणा सांगा से युद्ध भी करता है, आक्रमण करने के साथ साथ राणा सांगा से युद्ध भी करता है, इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? बाबर कौन से धर्म का था? है मुसलमान धर्म का था। मुसलमान उनके धर्म पिता कौन थे? मुसलमानों के धर्म पिता मोहम्मद। मोहम्मद ने आकर के क्या किया? क्या किया? मूर्तियां तोड़ डाली। बोला ये मूर्ति पूजा अंधश्रद्धा है, ये कोई भगवान नहीं है। भगवान का असली रूप साकार है या निराकार है? निराकार है। और वो निराकार साकार में आता तो है लेकिन चैतन्य में आता है या जड़ मूर्ति में आता है? चैतन्य में आता है। तो मोहम्मद ने जो मूर्तियां तोड़वा दी ये अंधश्रद्धा का खंडन किया या मंडन किया? अंधश्रद्धा का खंडन किया। उस मोहम्मद के फॉलोअर्स ही मुसलमान कहलाए। उन मुसलमानों में भारत के अंदर मुसलमानी राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक, पहला राजा हुआ है बाबर। नाम ही है बाबर। क्या? बाबर। बाबा साकार को कहा जाता है या बिंदी को कहा जाता है? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है बाप, बाबा नहीं है। वो जिस साकार में प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है। वही साकार बनने वाली आत्मा जिसमें निराकार प्रवेश करता है वो कलयुग के आदि में या मध्य आदि में कहे अंधश्रद्धा का खंडन करने के लिए बाबर के रूप में जन्म लेता है। कौन सी अंधश्रद्धा? मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए। तो भारत के राजाएं मूर्ति पूजक थे अंधश्रद्धालु थे
या श्रद्धावान थे, क्या कहेंगे, हैं? अंधश्रद्धालु थे। ज्ञानवान और श्रद्धावान में क्या अंतर है? एक होती है अंधश्रद्धा और एक होती है श्रद्धा। ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखना अच्छी बात है या अज्ञान के ऊपर श्रद्धा रखनी अच्छी बात है? ज्ञान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। मुसलमान तो निराकार ज्योति को ही भगवान मानते हैं। उनकी कुरान में भी लिखा हुआ है, तुम समझे खुदा क्या है? वो भोर का तारा है, सितारा है। तो सच्चाई लिखी हुई है या झूठा लिखा हुआ है? सच्चाई। पूज्य से पुजारी बनना तो ये सनातन धर्म का संस्कार है ना? पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनना। सनातन धर्म वाले जो होते हैं पुजारी नहीं कहेंगे उनको, सनातन धर्म वाले होते हैं देवताएं, वो पूजा करते हैं क्या? नहीं, फिर भक्ति मार्ग का पतित पूजा करते हैं या पावन पूजा करते हैं? पतित पूजा करते हैं। भगवान आके पतित थोड़े ही बनाता है, भगवान तो पावन बनाता है। जो पावन होते हैं उनको किसी की पूजा करने की दरकार ही नहीं होती है। और द्वापर युग से राम वाली सोल क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है? धर्मों में कन्वर्ट होना ये सूर्यवंशियों का काम नहीं है। स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह, ये भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, ज्ञान सूर्य की औलाद हैं, वो जीते जी अपना धर्म कभी परिवर्तन नहीं करते, मर जाना उनको स्वीकार लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो औलाद है वो औलाद में ऊपर से आने वाली कोई महान आत्मा प्रवेश कर जाए, धर्म पिता प्रवेश कर जाए और वो दुनिया की बड़ी सल्तनत को, बड़ी रैयत को कन्वर्ट कर दे, बड़ा धर्म स्थापन कर दे, तो समय के अनुसार वो शक्तिशाली आत्मा साबित होगी या कमजोर आत्मा साबित हुई? शक्तिशाली आत्मा साबित होती है। तो बच्चा जब बड़ा काम करके दिखाता है, बाप ने तो उतना काम बड़ा नहीं किया लेकिन धर्म में परिवर्तन भी नहीं हुआ, उस धर्म में कन्वर्ट भी नहीं हुआ, परंतु उस बच्चे के प्रति जिसने इतने बड़े धर्म की इतनी बड़ी रैयत को कन्वर्ट करके दिखाया, उसकी तरफ बुद्धियोग तो जावेगा कि मेरा बच्चा कितना शक्तिशाली पैदा हुआ। तो जब सारा जीवन उस बच्चे की तरफ बुद्धियोग भागता है तो अंतमते सोगते हो जाती है। वो सूर्यवंशी आत्माएं जाकर के उसी धर्म में जन्म लेती हैं
जहाँ बच्चे ने जाकर के अपना धर्म परिवर्तन किए, तो मरने के बाद दूसरे धर्म में चला जाना उसे कोई कन्वर्शन नहीं कहा जाता है, धर्म का परिवर्तन नहीं कहा जाता है। ये निराकार, सिर्फ निराकार को मानने वाले को आस्तिक या नास्तिक कहेंगे? निराकार कोई काम करेगा? सिर्फ निराकार जो है वो कोई काम करके दिखाएगा? फिर अभी तो आपने बोला मुसलमान ने फिर निराकार को ही मानते थे, अंधश्रद्धा का खंडन किया बोला ना। हाँ, तो उसमें तो फिर निराकार का मानना था ना। निराकार जो है प्रजापिता, जिसके लिए मुरली में बोला है बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही आवेगी, तो प्रजापिता जो सब धर्म पिताओं का बाप है वो निराकार को याद करने वाला है या कोई साकार को याद करता है? श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? जितने भी धर्म पिताएं हैं, सिर्फ राम की ही बात नहीं, ब्रह्मा भी क्यों न हो, ब्रह्मा भी ब्राह्मण धर्म का पिता है ना, किसको याद करता है? साकार को याद करता है या निराकार को याद करता है? वो भी बिंदु को याद करता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि निराकार को पहचानते हैं, मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो निराकार को मानने वाले पावरफुल हैं या कमजोर हैं? है? पावरफुल हैं। हाँ, ये जरूर कहा है, अव्यक्तवाणी में भी कहा है, साकार उपासी चरित्रवान होते हैं, अर्थात दैवी स्वभाव वाले होते हैं। इसका मतलब उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दो? अरे साकार उपासी चरित्रवान होते हैं तो निराकार उपासी है? चरित्रवान नहीं होते हैं, दुष्चरित्र होते हैं। भगवान जो आता है दुष्चरित्र को चरित्रवान बनाने के लिए आता है या चरित्रवान को चरित्र बनाने के लिए आता है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? किसको ज्ञान सुनाता है? रुद्रमाला के मणकों को ज्ञान सुनाता है या पवित्रता का पालन करने वाली विजयमाला के मणकों को ज्ञान सुनाता है? तो बड़ी माला के मणके कौन बच्चे हुए? पावरफुल माला कौन सी हुई? शिव की माला पावरफुल हुई, निराकार की माला पावरफुल हुई या साकार की माला पावरफुल हुई? है? साकार की। निराकार साकार में हुई। हाँ, ये शिव की माला है, शिव निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला है? निराकारी स्टेज वाला है। तो अव्यक्तवाणी में भी कहा है कि जो साकार उपासी होते हैं चरित्रवान होते हैं,
इसका मतलब निराकार उपासी उतने चरित्रवान नहीं होते हैं, बल चरित्रवान नहीं होते हैं, तो भी क्षिप्रगामी होते हैं। अर्थात पुरुषार्थ में तीव्र गति उनकी होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे? पहले पहले परमधाम पहुंचते हैं। जो परमधाम पहले पहुंचेंगे वो पहले पहले सृष्टि में आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले आवेंगे। जो निराकार उपासी हैं वो चरित्रवान नहीं होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थ जीवन में कलह क्लेश का मुकाबला जास्ती करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। जो अव्यक्त में जिनके चित्त आसक्त है, अव्यक्त अर्थात बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त है, बिंदु दिखाई पड़ता है तो अव्यक्त है या व्यक्त है? अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त रूप के आसक्तिवान हैं, उनको जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है पुरुषार्थी जीवन में। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त स्टेज की तरफ आकर्षित रहने वाली कौन सी आत्मा है? ब्रह्म वाली आत्मा। प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में सबसे जास्ती कलह क्लेश का मुकाबला जीवन में किसको करना पड़ता है? ब्रह्म वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो खराब बात है या अच्छी बात है? है? अच्छी बात है। हेलो, अरे भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है तो कलह क्लेश की परवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं होनी चाहिए। फिर भारत अंत में आकर के पूरा नास्तिक बंधा है, कोई साकार के प्रति उनका आस्था नहीं रहता, बोला है ना? ठीक है, क्योंकि वो नास्तिक धर्म का भी तो बाप है। अरे अच्छों का बाप है या बुरों का भी बाप है? हैं? अच्छों का भी बाप है, अच्छे पे अच्छों का भी बाप है, और बुरे पे बुरों का भी बाप है, पापियों का भी बाप है। तुलसीदास ने लिखा है, मैं पतितन को राजा। तुलसीदास तो 400-500 साल पहले हुए थे, उसी समय उन्होंने लिख दिया मैं पतितों का राजा। तो बड़ा पतित कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा बड़ा पतित हो गई। तो ये खराब बात है या अच्छी बात है कि पतितों का भी राजा बन जाए और जो पवित्र रहने वाली आत्मा है उनका भी राजा बन जाए? हा? ये तो हीरो पार्टधारी की निशानी है। ऊंच से ऊंच पार्टधारी भी है और नीचे से नीचे भी पार्टधारी है। हाँ, ये तो चक्कर पड़ गए। कोई साकार को अगर जो भारत का प्रजापिता का आस्था होगा तो फिर वही बाप पिता सदगुरु में साबित होगा, उसको मानना पड़ेगा है? नहीं, फिर कोई साकार के प्रति उनका आस्था अगर रहता है, साकार के प्रति आस्था रहने वालों के लिए तो भक्ति मार्ग में भी गीता आए है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। अरे साकार की कोई महिमा है? वो साकार की भी महिमा इस दुनिया में तब होती है जब वो निराकारी स्टेज परमानेंट धारण कर लेता है।
शंकर का जो चित्र बनता है वो संपूर्ण निराकारी स्टेज का बनता है या अपूर्ण स्टेज का यादगार है? जब संपूर्ण निराकारी स्टेज बनती है, पुरुषार्थ संपन्न स्टेज को पहुंचता है, उस समय के चित्र हैं। और बाबा ने भी बोला है, तुम बच्चे भगवान बाप को तब ही प्रत्यक्ष करेंगे जब तुम्हारी अव्यक्त निराकारी स्टेज बनेगी। अभी तुम कितनी भी बोल बोल कर लो, कितनी भी भाग दौड़ कर लो, कितनी भी धन संपत्ति खर्च कर दो, भगवान बाप प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। बाबा ये वार्तालाप अध्यात्मिकपन में बाबा ने बोला है, नरक की दुनिया की फाउंडेशन है, नरक की दुनिया की फाउंडेशन राम वाली आत्मा ही डालती है। हाँ, द्वापर युग से शास्त्र किसने लिखे, शास्त्र लिखने की शुरुआत किसने की? राम वाली आत्मा। तो इसका शूटिंग कैसे होता है? अभी दिखाई नहीं पड़ता है, अभी दिखाई पड़ता है ना? सबसे जाति ज्ञान सुनाने वाला साकारी मनुष्यों में कौन है? हैं? राम वाली आत्मा। वास्तव में वो ज्ञान शिव बाप सुनाते हैं या राम वाली आत्मा सुनाती है? तो जो समझते हैं कि शिव बाप सुनाता है, उनके लिए तो वल्लई वल्ला है, और जो समझते हैं राम बाप करता है, वो घाटे में आ जाते हैं। बाप शिव बाप सुनाते हैं तो शिव बाप का जो रसना है वह ज्ञान सत्व रजतम में कैसे आता है? मतलब शिव बाप ही सुनाते हैं अगर, है ना? शिव बाप के सत्व रजतम में नहीं आता। मुरली में तो यही बोला है, ये जो कुछ भी करता है तुम क्या समझो, है? तुम बाबा ही समझो, शिव बाबा ही सुनाते हैं। अगर ये रंग भी सुनाता है तो भी मैं उसको ठीक करने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं रंग को भी राइट कर दूंगा। जब हमारा लास्ट पुरुषार्थ होगा तो लास्ट पेपर भी होगा। बाबा सन को सन कितना ईस्वी में माउंट आबू में ताला लगेगा? सन कितना ईस्वी में माउंट आबू में ताला लगेगा? माउंट आबू में अभी ताला लगा लो। तो अभी लगाने से होगा क्या बाबा? लगा लो ना, लगाना तो पड़ेगा ही। तो निराकारी स्टेज में टिक जाओ, ताला लग जाएगा। और जो आत्मा मर जाती है आत्मा मरती है, आदमी मरता है ना? आदमी मरता है, छोटा है ना? हैं? छोटा ना? हाँ। जो राम गुण देते हैं, राम को भरते हैं, हाँ। भी करते हैं, उसको क्या मिलता है क्या? जरूर, यहाँ की यादगार है संगम युग की। जो संगम युग में मरते हैं जीते जी, तो सब कुछ अर्पण कर देते हैं तब जीते जी मरते हैं, या बिना अर्पण किए जीते जी मर जाते हैं? है? जो संपूर्ण अपना तन मन धन समय संपर्क सब कुछ अर्पण करते हैं, वो ही देह अभिमान से मर पाते हैं। यहाँ की यादगार है कि जो मरते हैं उनका पुरानापन सब अर्पण कर देते हैं करनी घोर को। यहाँ कौन है करनी घोर? है करनी घोर ब्राह्मण है, शिव बाबा। वो करनी घोर ब्राह्मण भी बनता है,
धोबी भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, सब कुछ बनता है। और बाबा ये आन का अर्थ क्या होता है और सुभान अल्लाह इंशा अल्लाह माना क्या होता है या किसको कहेंगे? तो मुसलमानों से जाके पूछो, मुसलमान ही बात है, है? तुम्हें जिज्ञासा हो रही है मुसलमानी भाषा की, अरबी फारसी की तो जानने वाले हैं उनसे पूछो, हम तो अरबी फारसी पढ़ी नहीं है, जितनी बाबा बोलते हैं उतना ही जानते हैं। दूसरा है अष्टदेव में से जो जो विजय माला के तरफ की चार देवियां हैं, अष्टदेव में से जो विजय माला के तरफ की चार देवियां हैं वह केवल चार देवियां चार देवियों ना जो चार इधर रुद्र माला में और चार उधर विजय माला से अष्टदेव में होंगे बोला ना, तो इसलिए वो पूछ रहा था कि चार देवी मतलब चार जो भी आत्मा है विजय माला से, तो इसकी जोड़ी संगम युग के सहयोगी है या वह जोड़ी उनकी सात्विक में जावेगी कैसे? क्या पूछ रहे समझा? बाबा वो बता रहे हैं कि चार विजय माला से अष्टदेव बनेंगे, चार रुद्र माला से अष्टदेव बनेंगे, तो ये संगम युग में ही जोड़ी बनेगा या सत्युग में जाकर जोड़ी बनेगा? कुछ कहा सब कुछ रिजल्ट संगम में ही निकलेगा या एक्यूरेट सत्युग में निकलेगा? संगम में सारा रिजल्ट निकलना है। आठ को भी आठ का पता संगम में लगेगा, 108 की लिस्ट में आने वालों को भी पता संगम में लगेगा। जो ब्रह्मा की हजार भुजाएं हैं उनको भी अपना पता संगम युग में लगेगा। 16108 की लिस्ट में आने वाले उनको भी पता संगम में लगेगा। गले लगते हैं ना, बाहों में बाहें डाल के उसको कहते हैं भाकी पहनना। और मृत्यु यानी कि जीव हत्या कहते हैं ना, तो कोई 16 साल और 17 साल ऐसे बरस था हो तो उसको अचानक गोली लग जाता है, और कोई कोई नाव में तैरते हुए डूब जाता है, ऐसे अवस्था को अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसे अवस्था को अकाल मृत्यु कहते हैं या उसको दिन आकर के उसको मृत्यु हो जाए? अकाल मृत्यु कहेंगे, जो अचानक मृत्यु हो जाए उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। बाबा उसको बताना पड़ेगा क्या? हाँ, अकाल मृत्यु जिनकी होती है वो पाप आत्माएं ही होती है, ज्यादा पाप न करें इसलिए थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, ताकि काल चक्र में उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़ जाए। काल चक्र तो आगे बढ़े लेकिन उनके पापों का बोझा ज्यादा आगे न बढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। और ये गुलर का फूल कभी नहीं दिखाई देता है, गुलर का फूल कभी दिखाई नहीं देता और इसमें फल आ जाता है, तो इसका मतलब कुछ भी आदमी मतलब होता है क्या? अच्छा फूल अच्छी चीज है, ये फूल में से जो फल निकलता है वो अच्छी चीज है, हल्कापन किस में होता है?
फूल में जास्ती हल्कापन होता है या फल में जास्ती हल्कापन होता है? फूल में हल्कापन होता है और फल में हल्कापन नहीं होता है। तो कोई कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिनमें हल्कापन नाम मात्र को भी नहीं है। जैसे अक का फूल भल छोटा होता है तो भी फूल तो है ना, कुछ न कुछ हल्कापन तो है ना। लेकिन कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनमें हल्कापन है ही नहीं, जन्मते ही भारी है। जैसे कसाई के घर में जो पैदा हुआ, उसको जीवन में ये पता चलेगा कि गाय काटना खराब काम है? है? नहीं पता चलेगा। जन्मते ही हल्केपन का नाम निशान नहीं है। इसलिए गूलर के फल में कीड़े ही कीड़े भरे पड़े रहते हैं। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या चीज है? अरे बार बार VCD और कैसेट सुनो, बीसियों बार बता दिया है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूरज तो रोशनी है, रोशनी का गोला, पृथ्वी रोशनी का गोला तो नहीं है। तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सामने आया हुआ जो चंद्रमा है उसके ऊपर परछाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है? पड़ेगी, वो चंद्रग्रहण हो गया। और जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, आता है ना, एक तरफ सूरज बीच में चंद्रमा इधर पृथ्वी, तो जब बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? जहां परछाया पड़ेगा वहां के रहने वालों को सूरज का हिस्सा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, वो कहते हैं सूरज ग्रहण लग गया। अब सूरज में कभी अंधेरा होता है क्या? देखने वाले अंधे हैं या सूरज अंधेरे में है? देखने वालों को नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे ही यहां भी है, जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो नहीं कभी अंधेरे में आती है, लेकिन धरणी कन्याओं माताओं के ऊपर जब चंद्रमा का परछाया पड़ता है तो सूरज उनको अंधेरा दिखाई देने लगता है। वो ढेर सारी कन्याएं माताएं बैठी हुई हैं जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के परछाए में चल रही है, उनको सूरज में अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, उन्हें ग्रहण ही ग्रहण सूरज का दिखाई पड़ रहा है कि सूरज उजेला दिखाई पड़ रहा है? हैं? अंधेरा ही अंधेरा सूरज दिखाई पड़ रहा है। और फिर यहाँ सूरज जब चंद्रमा सवार होता है तो फिर है इस समय दिखता है क्या? क्या सूरज जब चंद्रमा सवार होता है ना, कौन सवार होता है? चंद्रमा ब्रह्मा। हाँ, ज्ञान चंद्रमा क्या होता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसमें ज्ञान जब सवार होता है? किसके ऊपर सवार होता है? सूरज को पार बताने वाले आत्मा के ऊपर। हाँ, तो वो सूरज है, सूरज है या सितारा है, ध्रुव तारा? अरे वो सूरज है या ध्रुव तारा है? क्या है?
ध्रुव तारा है। जब अपनी आत्मिक स्टेज में सदैव के लिए टिक जाएगा तब वो सूर्य समान हो जाएगा, बाप समान हो जाएगा, फिर थोड़ा ही सवारी करेगा, फिर तो बैल के ऊपर शंकर सवारी करेगा। और कर्मानुसार मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कितने साल तक आत्मा भटकते रहता है? कोई निश्चित नहीं, कोई वर्षों भटकते रहते हैं कर्मानुसार। हाँ जी, हाँ, ये इस्लाम धर्म में 786 नंबर को बहुत ज्यादा मान्यता है। इस्लाम धर्म में 786 नंबर का जो अंक है ना, 786 उसको 686 786 हाँ, इसका मान्यता ज्यादा देते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? और फिर ब्रह्मा का मूर्ति अजमेर में क्यों दिखाया जाता, फिर उनको मुसलमान क्यों? अब एक एक बात पहले पूछोगे कि 10 बातें पूछोगे? अरे 786 की तो बात क्लियर कर लो। 7 का अंक, 8 का अंक और 6 का अंक, ये पावरफुल अंग हैं। 6, 7, 8 या कमजोर हैं, पावरफुल आत्माएं हैं। और फिर ये भी कहें अगर उल्टा गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके बाद वाले जो हैं 6, 7, 8 वो कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं हैं? कमजोर आत्माएं हैं। तो कमजोरी की तरफ नजर जाना चाहिए या पावरफुल की तरफ नजर जाना चाहिए? पावरफुल की तरफ नजर जाना चाहिए। मुसलमानों का तो सब उल्टा ही उल्टा होता है, किताब भी पढ़ेंगे तो उल्टी उल्टी पढ़ेंगे, लिखेंगे तो भी उल्टा उल्टा लिखेंगे। इबादत करेंगे तो दीवार के सामने बैठ जाएंगे, विघ्नों की दीवार की ही पूजा करेंगे, वो ही उनके सन्मुख रहनी चाहिए। और हमारे सन्मुख कौन रहता है? विघ्न विनाशक रहता है, ये विघ्नों की दीवार रहती है, विघ्न विनाशक भगवान हमारे सामने रहता है। और रुद्र माला की मठ के विद्रुप आत्मा है ना, तो उसने यहाँ लिखा है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर तुम्हें भी ब्रह्मा की तरह कर्तव्य करना है, इसका मतलब क्या है बाबा? जब वो संपन्न बन जाएंगे, बीज रूप स्टेज उनकी बन जाएगी, देह अभिमान का छिलका उतर जाएगा रुद्रमाला के मणकों का, तो पक्की आत्मा बनने के कारण वो कमजोर आत्मा में प्रवेश करने योग्य होंगे या नहीं होंगे? हा? जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होने वाली है और धर्म की है, उनमें प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे? हा? अरे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि पावरफुल हो गए ना। और अजमेर में जो ब्रह्मा का मूर्ति दिखाया है उसको मुसलमान लोग पूजा मतलब क्यों करते हैं? क्योंकि आज जो ब्रह्मा की यादगार है
वो ही भक्ति मार्ग में अजमेर में दिखाई गई है। अजा कहते हैं बकरे को और मेड़ भेड़ कहते हैं भेड़ को, भेड़ बकरियों का देश अजमेर है। क्या खासियत होती है भेड़ बकरियों की? एक गड्ढे में जाएगी तो सब गड्ढे में जाती है। यहां फाउंडेशन पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया में। वो एक बकरी गड्ढे में गई, भगवान बाप को नहीं पहचानती है, जानबूझ के पट्टा बांध लेती है, जानते हुए भी नहीं जानना चाहती देह अहंकार के कारण। तो सारी ब्रह्मा कुमारियां उसी को फॉलो करती हैं। कुमार का दादी, कुमार का दादी, कुमार का दादी मर गई तो भी तो भेड़ बकरियों का ये देश हो गया है। जहां किसकी पूजा होती है? ब्रह्मा की पूजा होती है। भक्ति मार्ग में उसके चित्र की पूजा करते हैं, यहां भी चित्र की पूजा कर रहे हैं। चैतन्य में कहां है? अजमेर में मुसलमानों का उर्स लगता है, बड़ा मेला होता है। फाउंडेशन कहां पड़ता है? है कहां? माउंट आबू में बड़ा मेला लगता है। जिनका जिनका मेला लगता है, जो वहां मेले में जाते हैं, वो कौन से धर्म के हैं? कौन से धर्म के? अरे बोलो ना, कौन से धर्म के? बाग मुसलमान लोग हरा रंग वो क्यों मानते हैं? हरा रंग किसका प्रतीक है? झंडे में तीन रंग हैं, तीनों रंग ब्रह्मा विष्णु शंकर के प्रतीक हैं। जो हरा रंग है वो नीचे की ओर है, वो कौन से देवता का प्रतीक है? है चंद्रमा का प्रतीक है। मुसलमान लोग उसमें खास पाकिस्तान चंद्रमा को चिन्ह मानते हैं अपने झंडे में। ज्ञान का अंधा है या सोझरा है? अंधा है, अंधा धतराष्ट्र। जो धतराष्ट्र होते हैं, अगर वो श्रावण के महीने में अंधे हो जाएं, कोई अंधा श्रावण के महीने में अंधा हो जाए तो सारी जिंदगी उसको कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा? हरा ही हरा दिखाई पड़ेगा। तो ये सब मुसलमान की औलाद हैं, जो अजमेर में उर्स करने जाते हैं। बड़ा भारी उनका मेला लगता है। हरा रंग उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसे तीन रंग हैं जो बहुत विषैले होते हैं, हरा रंग, नीला रंग और काला रंग। हरा फिर भी अच्छा है, उससे भी ज्यादा है खराब नीला रंग, और उससे भी ज्यादा काला रंग। भूकंप, भूकंप क्या मीनिंग? भू माने पृथ्वी, कंप माने कांप जाए, पृथ्वी माने धरणी माता, धरणी माने कन्याएं माताएं। ज्ञान में चलने वाली कन्या माताओं का श्रद्धा विश्वास जास्ती अधिक होता है या डिगने वाला होता है? है ज्यादा विश्वास गहरा होता है,
पुरुषों के मुकाबले कन्या माताओं का विश्वास ज्यादा अचल अडिग होता है, लेकिन वो भी डोल जाता है तब भूकंप आता है। अभी फर्क का बाद में आक्रमण हुआ, असरों का टीवी में असरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई गई कि नहीं है? हाँ, असुर आश्रमों पर आक्रमण करते हैं कि नहीं है? करते हैं। ये राम रावण का युद्ध भी कह सकते हैं। यज्ञ में विघ्न डालते थे असुर। हाँ, हड्डियां डालते थे, मांस के लोथड़े डालते थे, गंध उठा उठा के डालते थे। ये क्या है? ग्लानी की गंध है। तो बाबा, उस पत्रकार वगैरह को तो कार्रवाई करवाना चाहिए ना। वो झूठ मूठ में बदनामी दिखाया तो उसको सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुरली में बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल से चलता चला जाता है। उन्हें भौंकने दो, मुरली में बोला है। माउंट आबू की चली हुई मुरली है, उसी में शिव बाबा ने बोला है, इन्हें भौंकने दो, भौंकेंगे, तुम कुछ मत करो। खेल देखो साक्षी होकर के क्या होता है। अरे, ग्लानी करने से ग्लानी चिपक जाती है क्या? कोई गाली देता है तो गाली चिपक जाएगी क्या? जो ज्ञानी ज्ञानी होगा वो अपनी ग्लानी और गालियां सुनकर के विचलित तो होगा या खुश होगा? क्यों खुश होगा? इसलिए खुश होगा कि पूर्व जन्म में कोई ऐसे हिसाब किताब हमने किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, हमारे पापों का बोझ हल्का हो रहा है। तो बाबा, फिर आगे चलकर बहुत ज्यादा कलंक लगने वाला, ये भी हिसाब किताब है क्या? बिल्कुल, और नहीं तो क्या है? हम राजा बने हैं बड़े से बड़े, रुद्रमाला के मण के राजा बने कि नहीं बने? और एक जन्म बने या जन्म जन्मांतर बने? तो राजाएं ज्यादा पाप करते हैं या प्रजा ज्यादा पाप करती है? हैं? तो हमने तो कितने बड़े बड़े पाप किए होंगे प्रजा के ऊपर। राजाएं खूब मनमानी करते थे, तो सारा हिसाब किताब अभी चुकतू हो रहा है। तो सहन शक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? त्याग बबूला हो जाना चाहिए। नहीं, सहन शक्ति तो होनी चाहिए बाबा, लेकिन फिर भी सेवा में डिसर्विस हो जाता है ना। जैसे कि एक जो सेवा में डिसर्विस हो जाता है उसके लिए मुरली में बोला है, कोई भगाने की सेवा करते हैं, कोई थमाने की सेवा करते हैं। सेवाधारी है ना, दो तरह की सेवाधारी होते हैं, कोई डिसर्विस करते हैं, कोई सर्विस करते हैं। हमको देखना हम कौन सी लिस्ट में हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हम पावेंगे, दूसरा जैसा करेगा वैसा वो पावेगा। इस यज्ञ में एक एक पाई पैसे का हिसाब किताब है या नहीं है? यहाँ ग्लानी करेंगे थोड़ी सी ईश्वरीय यज्ञ में, तो वहां 63 जन्म उन्हें ग्लानी भुगतनी पड़ेगी। नहीं समझा? तो 63 जन्म की ग्लानी भुगतना वो मंजूर है या एक जन्म की ग्लानी भुगतना मंजूर है? हैं? एक जन्म में ग्लानी भुगत लो, चुप बैठ के रहो।
अंदर ही अंदर प्रसन्न होते रहो। साक्षी दृष्टा। फिर अंत में बाबा का पाठ बहुत ज्यादा कलंक लगने के बाद प्रत्यक्ष होगा और सब लोग मतलब भगवान बाप को मानेंगे, तो उस समय ये किस तरह हिसाब किताब कुछ का माना जाएगा? जब बाप प्रत्यक्ष हो गया कि यही भगवान है तो ग्लानी की बात रह जाएगी क्या? बाप जब तक गुप्त पाठ बजा रहा है तब तक ग्लानी है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया अनेक बाहूदर वृक्त नेत्रम अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी, बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की हजार भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोल सन्स बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बाप तो गुप्त ही रहेगा लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगी। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक, कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। नेत्रम, कहते ना भगवान को हजार आंखें हैं, थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि हजार नाखे हैं? हजार आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है। सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है, तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा।